सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। कांग्रेस ने इसे बड़ी जीत बताया है और कहा है कि चिदंबरम निर्दोष साबित होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पी चिदंबरम की 106 दिनों की कैद प्रतिशोधपूर्ण थी। अब पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष सुनवाई में खुद को निर्दोष साबित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया है कि पूर्व अनुमति के बगैर वो ना तो देश से बाहर जाएंगे और ना ही इस प्रकरण के बारे में मीडिया से बात करेंगे। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने पिछले 105 दिन से जेल में बंद कांग्रेस के 74 वर्षीय वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को जमानत देते हुए ये निर्देश भी दिया है कि वो ना तो गवाहों को प्रभावित करेंगे और ना ही किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को राहत प्रदान करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 2 जमानतें देने का निर्देश दिया। चिदंबरम को पहली बार INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में CBI ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। वो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, लेकिन आरोपी को जमानत देना नियम है और अपवाद स्वरूप ही इससे इनकार किया जा सकता है।